और इसकी शिकायत इसके पहले मैं किया था। मैंने रईस भाई को ये मैटर में खुद बोला था कि यहाँ इंजीनियर नहीं रहते हैं, सुपरवाइजर नहीं रहते। मैंने रईस भाई को ये मैटर में खुद बोला था कि यहाँ इंजीनियर नहीं रहते हैं, सुपरवाइजर नहीं रहते। ये पूरी सलाई नहीं है वहाँ तक का, ये पूरी इंजीनियर का, इंजीनियर है ये देखो, सलिया दिखा दो। और ये जो सलाई है, ये सलाई भी आप देखोगे ना तो ये सलाई भी जो है, पूरी सलाई जो है ऐसा लग रहा है कि ये चोर बाजार की सलाई है। ये बंगाल की खरीदी हुई सलाई है, ये जंग थैली हुई पूरा, इसका पूरी इसकी जो है ताकत खत्म हो चुकी है। ये कोटिंग है ही नहीं, ये देखो बाहर में जंग लग रहा है, ये जंग बंगाल की खरीदी, ये देखो टेढ़ी बाकड़ी सलाई है पूरी, ये बंगाल की खरीदी हुई, ये पूरी सलाई बंगाल की खरीदी हुई। और जब ये इसका काम हो जाएगा तो ये हटा के फिर यहाँ माल डालेंगे। आईपी करते हुए वो दिखाते यहाँ तक जाएंगे और आधी दूर सलाई रखे थे, बाकी पूरा बिगड़ सलाई के माल डालते। आप देख रहे एक्सप्रेस न्यूज हिंदी। इस वक्त देर रात तकरीबन 2:30 हो चुका है। हम आपको बता दें कि हम भिंडी के जगत नगर से शांति नगर जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रोड वहां पे खड़े हैं। यहां पर एमएलए निधि से 32 करोड़ के फंड से यहां पर आरसीसी रोड का काम किया जा रहा है। उस रोड के काम में भ्रष्टाचार है उसको उजागर करने के लिए आज देर रात यहाँ के जो जागरूक नागरिक है उन्होंने यहाँ पर आके जब विजिट किया तो हम आपको दिखा देंगे तस्वीरों में भी। देखिए किस तरीके यहाँ पर भ्रष्टाचार का काम किया जा रहा है, जो कि जो सलाई जो स्टील रॉड होती जो रॉड होती है उसको कितने एमएम से रहना चाहिए, वो कोटेड रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, किस तरीके से काम हो रहा है हम आपको दिखाते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। यहाँ पे जो रोड का काम चल रहा था ओलिया मस्जिद के सामने, यहाँ पर जो है ना कई दिन से ना इन लोगों को देख रहे थे कि ये लोग जो है ना सलिया डालते नहीं हैं और रखते हैं और निकाल देते हैं। तो हमारे हमीद भाई जो है ना यहाँ पर आज दोपहर से बेचारे शाम से हैरान थे कि आज इनको पकड़ना है। तो अभी हमीद भाई यहाँ खड़े थे, मैं भी आया तो हम लोग दोनों यहाँ देख रहे हैं कि ये लोग ने गाड़ी से खाली कर रहे हैं और खाली करने के बाद में यहाँ पर भीम नहीं है, जो कि पूरा भीम रोड जो है ना भीम से लग के रहता है। अब वो भीम ना निकालते जा रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं, आखिरी में एक टुकड़ा ये लोग भीम का डाल रहे हैं, बाकी वैसी रोड बना के जा रहे हैं। ये रोड फटेगा, फिर ख़राब होएगा, फिर आगे अभी एक बारिश के अंदर ही तो फट जाएगा, रोड पूरा ढसल जाएगा। और नीचे पूरा साफ़ होना चाहिए, नीचे कोई साफ़ नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाद में एक इंजीनियर नहीं, सुपरवाइज़र तक नहीं था। हमीद भाई कब से बोल रहे कि सुपरवाइज़र को बुलाओ, सुपरवाइज़र को बुलाओ, लेकिन एक लफ्ज़ एक कोई सुपरवाइज़र का पता नहीं। आज यहाँ पर जो ऐसा मोहल्ले के लोग हैं, हमारे माजी नगर सेवक आरिफ भाई भी हैं, सब लोग यहाँ पे हैं, तो यहाँ पर डेली रात में काम होता है और रात में काम ये लोग दो नंबर से करते हैं और ऐसे निकाल के जाते हैं। अभी ये पूरा काम हमीद यहाँ देख रहा था, पूछो इनसे। ये एक घंटे से मैं यहाँ इनके इंतजार में था रात में, अभी ये आएंगे सलाई डाल देगी नहीं। और मैं इसके लिए थोड़ा ओलिया मस्जिद की गेट के पास चला गया, वहाँ से देख रहा था, ये सलाई उठा के इधर की और चलते ये लोग माल डालना चालू किए। जब ये लोग पूरा इतना माल डाल दिया तो मैंने काम को रोका और उसके बाद मैं बोला चलते पहले सुपरवाइज़र बुलाओ या इंजीनियर, इनका कोई नहीं। रात में पहली बात तो ना इनका सुपरवाइज़र रहता ना इंजीनियर, और ये ना इसमें ज्वाइन करते, ये लोग आगे बढ़ाते चले जाते। और इसकी शिकायत इसके पहले मैं किया था ऐसा होटल पर, तो बोले नहीं हम लोग डालते, मगर आज मैं रंगे हाथ ये पकड़ा इसके लिए और सबको बुलाया यही के लिए कि देखो कि आज क्या है। और ऐसा होटल पे भी यही हरकत किए दोनों। इसका जो स्टील है ना ये कोडिंग सलिया का है, इसका सलिया दोनों को, ये भंगार की सलिया है। और ये भी डाल नहीं रहे, और ये भी डाल नहीं रहे, ये सलिया भी तो ऐसा लग रहा है डालना चाहिए था। हाँ उसका एमएम होगा, देखो 16 एमएम का, ज्यादातर 16 एमएम का डाला जाता है, नहीं तो 12 एमएम का डाला जाता है। ये 10 एमएम, ये 10 एमएम की सलिया है, नहीं नहीं ये 10 एमएम है और ये 8 एमएम है, ये 10 एमएम है, ये 8 एमएम है, वो भी भंगार की सलिया है। और कम से कम इसमें 12 एमएम का तो डालो, नहीं तुम 16 एमएम का डाल रहे हो तो 12 जंग खाई हुई, और भी जंग खाई हुई, जंग खाई हुई। ये रोड कम से कम आप लोग बोल रहे कि हो, अब बन रहे तो बनने दो ना, बहुत सारे लोग ये कमेंट में बोलते हैं, रोड बने तो बनने दो।
यही मामला है कि अभी किसी मुद्दे को लेकर आवाज उठाने जाओ तो पब्लिक को यह बुला के बहकाया जाता है कि रोड का काम हो रहा है। अरे रोड का काम हो रहा है तो उसको तरीका रहता है, ढंग से करना चाहिए। मतलब तुम पब्लिक को खाली लॉलीपॉप दे दियो क्या? काम हो रहा है अभी, वो काम कितना साल चलेगा, कोई गारंटी क्या है इसकी? इतनी मुश्किल से यह काम हो रहा है RCC रोड का, तो सिस्टमेटिक होना चाहिए, कम से कम 15-20 साल चले वो। और जो जो हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं, इन लोग का काम का कोई मामला ऐसा लग रहा है कि बेगारी और मिस्त्री लोग को काम दे दिए। अभी तुमको मैंने उस दिन नाले का दिखाया था, नाला तो पहले वो लोग उठा ही नहीं रहे थे, उसी के ऊपर रोड बनाने जा रहे थे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्शन लिए तो वो नाले को लो अभी तोड़े। अभी उसके बाद उसको जब PCC करना था तो पूरे पानी में वो लोग मटेरियल डाल रहे थे PCC करने के लिए, जबकि उनको वहाँ पे 3 फीट डीप जाना है और दोनों तरफ की RCC का दीवार लेना है उनको, तो उन लोग वही पुरानी दीवार में काम करने। अब हर काम में इनको ऑर्डर के हिसाब से काम क्यों नहीं कर रहे? मतलब ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं, चाहे वो ईगल हो या MMRDA हो, दोनों सब ठेका, हर आदमी अपनी मनमानी कर रहा है। इसके लिए आप बोल उनका काम था फंड ला के देना? नहीं नहीं, निगरानी भी करना उनका काम है, उनके अंडरस्टैंडिंग में काम हो रहा है। गटर का काम चालू है ना, इसमें सलिया ना बहुत दूर दूर ये लोग लगा रहे हैं, और जब ये स्लैब ऊपर होता है तो होने के बाद जब कंप्लीट स्लैब होता है ना, तो ये लोग एक डेढ़ फीट की सलिया लिए और उसको जो है ना नज़दीक ऐसा खोज के, और ये लोग दूर से दिखाते हैं कि ये पूरा रोड जो है पूरा सलिए से बना हुआ है। तो इसके ऊपर भी जो है ना ज़रा मतलब इसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। इंजीनियर साहब को भी बोल के और आमदार साहब को भी बोलेंगे कि उसके ऊपर भी वो कार्रवाई करें। हम लोगों ने डे वन से इस रोड पे वॉच किया है, काम के साथ साथ यहाँ पे जो रेड्स हो रहे सेफ्टी जो प्रोकेशन होता है, जो सेफ्टी के लिए जो होती है उससे भी नेग्लिजेंस बहुत किया जा रहा है कॉन्ट्रेक्टर द्वारा, तो उसके ऊपर कभी कोई सख्त कार्रवाई होगी? नहीं नहीं, मेरे को तो लगता नहीं कि कुछ होगी, क्योंकि अभी इतने दिन से चिल्लाते हैरान हो गए अपन लोग, क्योंकि अभी तक इनको जो है ना पूरा इसके ऊपर इंजीनियर इसके ऊपर कंटिन्यू रहना चाहिए। जब रोड भरना है, भरने का काम है, तो रोड का पूरा क्या क्या इसमें वो लगना चाहिए, इंजीनियर खड़ा रहेगा, जब इंजीनियर वेरीफाई करता है तो उसके बाद में लेबर काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ इंजीनियर सुपरवाइजर कोई नहीं है, और इसके लिए हम लोगों जो है ना यहाँ पर हमिद भाई वगैरह सब हम लोग पहले से वाचिंग पे थे और आज हम लोग पकड़ लिए। मतलब बिना इंजीनियर के सिर्फ ठेकेदार जो है यहाँ पे जो मिस्त्री और बेगारी के ऊपर काम चालू है? मिस्त्री और बेगारी, हमिद भाई कौन कौन? मिस्त्री और बेगारी के अलावा कोई नहीं है। ये मिस्त्री और बेगारी के अलावा स्टार्ट तो कोई नहीं, इसकी मैंने कई बार शिकायत भी की है, ऐसा नहीं कि नहीं किया हूँ, मगर वो ठेकेदार बोले नहीं भाई रहते, कोई नहीं रहते। मैंने रईस भाई को ये मैटर में खुद बोला था कि यहाँ इंजीनियर नहीं रहते है, सुपरवाइजर नहीं रहते हैं, और ये सलाई का मामला भी मैंने खुद डायरेक्ट बोला हूँ। तो वो टाइम ने वो ठेकेदार को मीटिंग रखे थे, बुलाए थे, बाकायदा ठेकेदार ने बोला, मगर ठेकेदार वही काम कर रहा है, उसके बाद भी ठेकेदार को कोई असर नहीं हो रहा है। ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है रोड के मामले जाए, मगर आने के बाद करता हूँ अपनी वाली है। NSIT एजुकेशन सेंटर में 10वीं और 12वीं की ट्यूशन के लिए एडमिशन की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि NSIT एजुकेशन सेंटर शहर की काफी पसंदीदा क्लासेस में से एक है। NSIT एजुकेशन सेंटर जिसका रिजल्ट हमेशा ही 100% रहा है। पिछले साल भिवंडी शहर के 4 बड़ी स्कूलों के टॉपर्स के बच्चे इसी कोचिंग क्लासेस के थे। इस कोचिंग क्लास में वेल क्वालिफाइड टीचर्स एंड स्टाफ है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर CCTV कैमरा के अलावा बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होती है। हमारा पता है NSIT एजुकेशन सेंटर, फर्स्ट फ्लोर अबाव एक्सिस बैंक ATM, दरगाह रोड, भिवंडी। इस कोचिंग क्लास की भिवंडी शहर में कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।